वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जहां पहिया है, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 14 है। यह पाठ एक रिपोर्टार्ज है और इसके लेखक है पी साईनाथ। इन्होंने इस पाठ के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का सजीव वर्णन किया है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। अब देखिए, लेखक यहाँ पर कौन से शिविर का वर्णन कर रहे हैं कि साइकिल प्रशिक्षण का शिविर। कि हमने पढ़ा था पहले भागों में कि लगभग 70,000 महिलाएं उस गांव से, कौन से, जो गांव पिछड़ा हुआ है, गरीब से, गरीबों का माना जाता है, ऐसे गांवों का जहां पर महिलाओं ने क्या किया है, एक सामाजिक आंदोलन किया है साइकिल चलाना, और उसके लिए लगभग गांव से 70,000 महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में और प्रशिक्षण में सहभाग लिया था। 70,000 महिलाओं का सहभाग कुछ कम संख्या नहीं थी, और यह सामाजिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन लेखक इसके बारे में वर्णन कर रहे। लेखक कह रहे कि ये जो प्रशिक्षण शिविर चालू था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने प्रशिक्षण, उनको साइकिल कैसे चलाना है वह सिखाया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। अब देखिए, ये जो प्रशिक्षण शिविर था वह कौन से गांव में रखा गया था, किला कुरुची नामक गांव में रखा गया था, और उस दिन सबको रविवार को छुट्टी रहती है, इसलिए रविवार का दिन तय किया गया, और सारी महिलाएं वहां पर जो साइकिल चलाने सीखना चाहती थी वहां पर इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। अब देखो, जैसे कि स्त्रियों का यह पहला कदम था कि अपने रूढ़ी परंपराओं को वह उसे तोड़कर बाहर आ चुकी थी, और यह पहला कदम साइकिल चलाने का जो आंदोलन था उसमें इतना आवेग आ गया था, इतना जोश आ गया था कि वह जोश देखकर सारे लोग आश्चर्य हो रहे थे। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आत्मसम्मान के बारे में अगर वह सोचता है, तो वह हमेशा, अगर कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल रही है, फिर घिसी पिटी दायरों से उनको बाहर निकाला जा रहा है, वह आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ रहे है, तो वह जो पुरुषों के द्वारा रोजमर्रा की जो जीवन थी, सिर्फ खाना पकाओ, बच्चों को संभालो, घर के काम करो, इतना ही इसमें अगर उनका जीवन बंद रहेगा, लेकिन उसे ज्यादा उनसे क्या मिल रहा था, वह क्या कर पाए रहे थे, कुछ भी नहीं। लेकिन जब उनको आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की बात आ रही है, उनकी स्वतंत्रता की बात आ रही है, और भी उनकी रुचि के साथ, तो वह उस रोजमर्रा की जीवन को जीना पसंद करेगी अब, बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो किस प्रकार का वह विरोध करने के लिए तैयार थी। वह सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सामाजिक स्वतंत्रता में भी परिवर्तन लाना चाहती थी। और अब जब उन्होंने यह इतना बड़ा कदम उठा लिया है, तो पुरुषों के द्वारा जो एक दायरे में बांध कर जीना उनके लिए बंधन कारक हो गया था, अब वह उससे बाहर निकलने के लिए सज्ज हो चुकी थी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। अब देखो, ये सारी औरतें क्या करती थी, इकट्ठा होती थी एक साथ, और फिर आपस में प्रतिस्पर्धा के रूप में वह साइकिल चलाती थी। अब जिन औरतों को साइकिल अच्छे से सीख चुकी थी चलाना, वह क्या करती थी, जो नई औरतें आए हुए थे, नई महिलाएं आए हुए थे, जिनको साइकिल नहीं चलाना आता है, उनको अच्छे से ट्रेन कर रहे थे। और जब वह ऐसे गांव के रास्तों से जाते थे, तो वह इतना मजा ले लेकर जाते थे,
उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया जाता था। अब देखिए जो महिलाएं अपने रोजमर्रा के जीवन जीते जीते कंटाल गई थी, वैसे तो देखो बहुत सारे हमने देखे हैं कि हमारे लोकगीत है वह घर में काम करते करते गाए जाते हैं। उसी प्रकार उन लोकगीतों के द्वारा क्या होता है कि स्त्रियां अपने मन की भावनाओं को बाहर निकालते हैं, जिनके उनको जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिले, उत्साह मिले। उसी प्रकार यह जो नव साइकिल चलाने वाले जो चालक औरत रहती थी, महिलाएं रहती थी, जब वो सारे इकट्ठा होकर साइकिल पर जाती थी तो वो गाना गाते हुए जाती थी। और वो गाना भी कैसे थे कि उनके उत्साह को बढ़ाने वाले, उनको प्रोत्साहित करने वाले गीत गाए जाते थे। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ऐसे मतलब सारी औरतें एक साथ आकर साइकिल पर मस्त सवारी करते हुए गीत गाते हुए जाती थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। अब देखो जो पहले से अच्छे से साइकिल चलाना सीख चुके थे लेकिन जब नई चीज सीखना होता है तो कोई भी डरता है ना, उसी प्रकार जो जिन महिलाओं को साइकिल चलाना नहीं आता था वो थोड़ा हिचकिचाते थे, डरते थे। तो ऐसे समय पर जो ऑलरेडी साइकिल चलाना सीख चुके हैं और वह अब कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास उनके अंदर आ गए, वो क्या करते हैं ऐसे नए औरतों को, महिलाओं के जो डर रहे उनको वह बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस देकर उनको प्रोत्साहित करते हुए साइकिल चलाने के लिए सिखा रहे हैं। नई नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है, उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब देखिए साइकिल चलाने के फायदे भी उस समय बताए जाते थे, अब तक हमने देखे कि क्या साइकिल चलाने के फायदे है। एक तो वह बिना खर्च मतलब खर्च कम लगता है, साइकिल ज्यादा महंगी नहीं होती है, सर्व वर्ग के स्तर के हर स्तर के लोग साइकिल को खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ साइकिल से क्या हो जाते थे कि हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे जो काम जिस पर हम दूसरों पर डिपेंड रहते थे वह आसानी से हो जाते थे, इसलिए वह औरतें क्या हो गई थी आत्मनिर्भर हो गई थी तथा श्रम का उनके कष्ट का बचत हो रहा था तथा समय बचत हो रहा था और उसके साथ साथ उनके आमदनी अर्थात उनका जो पैसा, जैसे कि बस से जाना होता है तो उसके लिए भी खर्चा रहता था ना, किसी और जगह जाना है तो उसके लिए पैसा लगता था, तो साइकिल होने की वजह से उनको एक तो उनके समय की बचत हो गई और उनका खर्च की भी बचत हो रही थी। तो इस प्रकार यह सारे उनको साइकिल सिखाने के फायदे, उनको उत्साह बढ़ाने के प्रोत्साहन कर दे रहे थे। '92 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। अब देखिए लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिन पता है सबको कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, हर साल 8 मार्च को महिला दिन मनाया जाता है। तो देखो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अब देखिए लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि यह जिला अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले मुझे बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, हम सबको पता है 8 मार्च को महिला दिन या महिला दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन 8 मार्च 1992 में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इस प्रतियोगिताओं में लगभग देखो उस गांव के 70,000 लगभग स्त्रियों ने साइकिल चलाना सीखा था और अब औरतें आत्मनिर्भर हो गई थी, किसी और पर डिपेंड नहीं थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास उनका बढ़ रहा था और अब जो सामाजिक दायरा था उससे वह बाहर निकलकर अपने अस्तित्व की खोज में वह निकली थी और इसकी शुरुआत हुई थी इस दिन। इसलिए लेखक कहते कि इस दिन इस छोटे से जिले में, पुडुकोट्टई के जिले में
जो प्रतिस्पर्धा हुई थी किसके बीच में, या जो शिविर आयोजन किया गया था सामाजिक आंदोलन के रूप में साइकिल चलाना, वह उसे स्त्रियों ने यह साबित कर दिया था कि स्त्री हर चीज में आगे बढ़ सकती है अगर उसने सोचा तो, अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वह हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकती है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर किया है कि यह कभी, यह उस दिन जो हुआ था वह इस जिले में पहले अब इसके बाद कभी नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडिया लगाए, अब देखो स्त्रियों ने अपने साइकिल आंदोलन की शुरुआत में क्या किया था, हैंडल पर झंडिया लगा दी थी, घंटी बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। 8 मार्च इस दिन महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया था, अर्थात आश्चर्य कर दिया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी इसके पक्ष में, अब देखिए शुरुआत में तो हर पुरुषों ने क्या किया था, विरोध किया था, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे थे जो इसके विरोध में नहीं थे। उसमें एक था, लेखक वर्णन करे उसके, इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई थी। अब देखो जिस डीलर से साइकिल खरीदी जा रही थी वो तो खुश था ना, क्यों, क्योंकि एक साल में इतने सारे औरतों ने क्या किया था, उसके पास से ही से साइकिल खरीदी थी, क्यों, क्योंकि एक तो छोटा सा जिला था और एक पिछड़ा हुआ गांव था और अकेला वह एक ही डीलर था, इसलिए सारे औरतों ने उससे उसके पास से ही साइकिल खरीदी थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, अब देखिए लेडीज साइकिल बनवाना नामुमकिन था, इसलिए औरतों ने क्या किया, जेंट साइकिल भी खरीद ली, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अब देखिए लेखक जो संवाददाता है, पत्रकार है, उसने जब उस डीलर के साथ बातचीत की तो लेखक ने कहा कि दो बातें बताई, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसको लगता था कि जो लेखक है वह बिक्री कर इनकम टैक्स विभाग से आए, इसलिए उसने जो सच बात थी या उस साइकिल आंदोलन के पक्ष में बात की थी। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृष्टि की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। अब देखिए ऐसे कहते ना हम, अगर इच्छा होगी तो हम को नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते हैं, कि जो मजदूर करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले जो औरतें थे वह भी साइकिल सिखाने का काम कर रही थी, और ऐसे औरतों को जब यह कार्य करते हुए देखा तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, हक्का बक्का हो गए। कुदिमी अन्नामलाई नाम की जो एक औरत थी वह क्या कार्य करती थी, पत्थर को तोड़ने की या मजदूरी करने वाली कोई औरत होगी, और ऐसे रास्ते से जहां पर वह अन्य स्त्रियों को क्या कर रही थी, साइकिल सिखा रही थी, और उसका वह उत्साह देखकर सारे लोगों को तो आश्चर्य होना ही था। तो इस प्रकार महिलाओं का साइकिल चलाने के प्रति उत्साह बढ़ रहा था। आगे कुदिमी अन्नामलाई लेखक से कहती है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अब देखो वो जो गांव था वह कैसे था, मुख्य शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए वहां पर ज्यादा रहदारी का रास्ता नहीं था, इसलिए स्त्रियां आराम से साइकिल चला सकती थी, और उनकी जो स्पीड थे वो स्पीड बढ़ाने में वह जो रास्ते थे वह काम आते थे। इसलिए वह कहती है कि उनका जो शहर से दूर जो गांव था उसके वजह से स्त्रियों की साइकिल चलाने की स्पीड बढ़ने लगी थी। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। आत्मविश्वास, अपनी शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास, यकीन विश्वास, आवेग उत्तेजना, आंदोलन उथल पुथल करने वाला सामूहिक प्रयत्न या किसी उद्देश्य के लिए किया जाने वाला व्यापक तथा सामूहिक प्रयत्न, हक्का बक्का करना, आश्चर्य में डालना, सतर्कता सावधानी से, चिलचिलाती अत्यंत गर्म या धूप,
तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से सर्वसामान्य काम करने वाली स्त्रियों में साइकिल चलाने का उत्साह और आत्मनिर्भरता होने का उत्साह दिखाई दे रहा था। लेखक आगे भी हमें साइकिल के बारे में और वहां के महिलाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।